नमस्ते, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बिफोर आई एम स्टार्टिंग, आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जन्मदिन कौन सी तारीख को आता है? जैसे कि मेरा जन्मदिन आता है 24 डेट को। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर, 24। तो क्या आपने कभी सोचा है कि 24 डिजिट में जो 2 की वैल्यू है वो 4 की जगह प्लेस कर दें, या फिर जो 4 की वैल्यू है वो 2 की जगह प्लेस कर दें तो क्या होगा? आज हम इसी की खोज में पढ़ेंगे द वैल्यूज ऑफ नंबर। सो टुडेज टॉपिक इज वैल्यूज ऑफ नंबर। हियर द वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ओनली 2। किसी भी नंबर की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। फर्स्ट इज फेस वैल्यू एंड सेकंड इज प्लेस वैल्यू। फर्स्ट इज फेस वैल्यू एंड द सेकंड इज प्लेस वैल्यू। अगर हम बात करें इस नंबर की 24 की, जो अभी हमने पहले लिया था, इसमें मैं पूछूं कि 24 में अगर ये जो डिजिट है यानी कि 2, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? दैट सिंपल, द फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। मतलब वो डिजिट खुद की फेस वैल्यू होगी। जैसे कि 2 की फेस वैल्यू होगी 2। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैंने कहा एक डिजिट है 3069, यानी कि द नंबर इज 3069 में जो 3 डिजिट है इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? तो 3 की फेस वैल्यू होगी 3 इटसेल्फ। इट्स सो सिंपल। नाउ कम टू द प्लेस वैल्यू। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस मीन्स स्थान, जगह। किसी भी नंबर की जगह, किस जगह पे वो नंबर है। लेट्स एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। इफ देयर इज अ नंबर 3069, तो इसमें 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो हम अपने राइट हैंड साइड से पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है 9 इस फर्स्ट डिजिट पर, तो इसे बोलेंगे हम वंस। इसके बाद सेकंड डिजिट पर आ रहा है 6, जिसे हम बोलेंगे टेंस। थर्ड डिजिट पर आ रहा है 0, जिसकी प्लेस वैल्यू है 100। और 1, 2, 3, 4 यानी कि फोर्थ डिजिट पर है 3, जिसकी प्लेस वैल्यू है 1000। अगर हमने 2, 6, 9 की वैल्यूज कैसे डिफाइंड हो रही है, यानी कि ये है 9 है वंस, 6 है टेंस, 0 है 100 एंड 3 है 1000 प्लेस पर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इफ वी हैव अ नंबर 6332, हियर द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, बिकॉज द 2 इज इन द प्लेस ऑफ वंस। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30, बिकॉज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 हैव इन टेंस प्लेस। जो 3 है वो टेंस के प्लेस पर है,
यानी कि 3 के पीछे कितने कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट, तो इसके पीछे कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो। एक और तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, जो 3 है वो 10th प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, यानी कि 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से, तो आंसर क्या आ रहा है? 30। चलो अब इसको समझते हैं, ये है 1s, 10s, 100, कौन से प्लेस पर है ये 3 नंबर? 100 प्लेस पर। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 के पीछे कितने जीरो? 1, 2। कौन से प्लेस पर था ये नंबर? 100 प्लेस पर। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर? 100 से। सेम कम विद द 6 डिजिट, कौन से प्लेस पर है ये? 1000 प्लेस पर। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 के पीछे कितने जीरोस? 1, 2, 3। जो 6 डिजिट नंबर है ये 1000 प्लेस पर है, तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? 1000 से। किसने मल्टीप्लाई होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर है? हमने क्या पढ़ा? द प्लेस वैल्यूज ऑफ नंबर, देयर आर 2 प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यूज। तो फेस वैल्यू कैसे आती है? 24 की जो फेस वैल्यू है इसमें 2 की, वो खुद ही अपना नंबर है, यानी कि 2 खुद ही 2 फेस वैल्यू है। अब हम बात करें प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू में सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000। और इसमें जो 1s डिजिट है वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब 1 से हो रहा है। जो 10s है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 डिजिट 100 से मल्टीप्लाई है, और 1000 डिजिट 1000 से मल्टीप्लाई है। सो टुडेज होमवर्क इज, मेरे पास ये बुक है सरस्वती कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स पार्ट 3 की ये बुक है, जिसमें हमारे पास पेज नंबर है 12, एक्सरसाइज 2.1। ये आपको पूरी एक्सरसाइज करके लानी है। दिस इज होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।